हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टीवीएस अपाची आरटीआर 162V के BS6 मॉडल को हीरो एक्सट्रीम 160R BS6 मॉडल से। तो आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहा था इन दोनों बाइक के कंपैरिजन को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर अभी आप मार्केट में बाइक लेने के लिए जाते हैं 150 या 160 सीसी सेगमेंट में, तो ये दोनों ही बाइक्स आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स अभी देखने को मिल जाएगा मार्केट में। बात करते हैं इन दोनों को कंपैरिजन करने का रीजन क्या है। तो सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है इन दोनों बाइक के कंपैरिजन का, वो है इनकी प्राइसिंग। तो अगर आप इन दोनों की प्राइसिंग को देखते हैं तो वो आपको अप्रॉक्स में एकदम सेम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बाइक के लिए जाना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके जितनी भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगी। अगर आप भी 150 या 160 सीसी सेगमेंट की बाइक लेने का सोच रहे तो थी आपके लिए ये, आप इस वीडियो को पूरा देख लें, जरा भी स्किप ना करें वरना आपकी डिटेल्स मिस हो सकती है। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी बाइक किस पर्पस के लिए अच्छी रहती है और आपको कौन सी बाइक के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे दोनों बाइक की प्राइसिंग का। तो अपाची 162V का जो आपको प्राइस देखने को मिल जाता है, ये आपको टोटल दो वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो ड्रम वेरिएंट है उसके में आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं उसकी प्राइसिंग की, तो उसका जो प्राइसिंग है ड्रम वेरिएंट का, वो आपको लगभग 119,000 रुपीस के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके डिस्क वेरिएंट की, तो उसके डिस्क वेरिएंट में आपको 121,000 रुपीस के अप्रॉक्स में आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं एक्सट्रीम के तरफ, तो एक्सट्रीम में भी आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, ड्रम और डिस्क। तो इसका जो ड्रम वेरिएंट का जो आपको प्राइस देखने को मिलेगा, वो आपको लगभग 119,000 रुपीस के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। और बात करते हैं इसके डिस्क वेरिएंट की, तो वो आपको लगभग 123,000 रुपीस के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करते हैं दोनों की प्राइसिंग डिफरेंस की, तो प्राइसिंग में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों बाइक में आपको जो प्राइसिंग में है वो अप्रॉक्स में 1 to 2,000 रुपीज़ का ही डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, आपको सब डिटेल्स पता चल जाएगी। तो वीडियो को चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ा एक्सट्रीम 160R का BS6 मॉडल। जैसे कि आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं, आपको फुली एलईडी लाइट्स इसमें कंपनी ऑफर करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको फुली एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके टायर्स की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको फ्रंट में काफी अच्छा इसमें कंपनी आपको टायर ऑफर करती है। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सिंगल चैनल ABS में देखने को मिलता है। और इसमें आपको यहाँ पे MRF के टायर्स कंपनी ऑफर करती है। बात करते हैं तो इसमें आपको कंपनी पेट्रोल डिस्क ब्रेक सब दे रही है। बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की, जो कि इसका काफी एक हाईलाइटिंग फीचर आप बोल सकते हैं। इसमें आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो आप इसका मीटर कंसोल जैसे कि देख सकते हैं, आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। बस इसमें आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर एक मिसिंग देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको इंजन मान फंक्शन लाइट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये जो है इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, ये ABS का आपको सिग्नल लाइट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको RPM शो करेगा और ये आपका स्पीड शो करेगा, और इसमें आपको टाइम भी मिल जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने इसका मीटर कंसोल का डिटेल्स देख लिया, बात करते हैं इसके की के बारे में, तो आप इसका की देख सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें जो आपको नॉर्मल की कंपनी ऑफर करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी की को। अब बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, तो इसका हैंडल बार को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंपनी पास लाइट ऑफर कर रही है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्विच मिल जाता है, जिससे कि आप चारों इंडिकेटर्स को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर का स्विच, जिससे कि आपको काफी अच्छे इसमें फंक्शन मिल जा रहा है, स्टॉप फंक्शन। और यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है, मैं आपको एक बार इसका हॉर्न सुना देता हूँ, तो काफी आपको इसमें लाउड हॉर्न मिल जाता है। और बात करते हैं इस साइड की, तो आपको मैंने बताई दिया, यहाँ पे आपको स्टार्ट स्विच और पिन स्विच दोनों ही देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे सामने खड़ा है टीवीएस अपाची आरटीआर 162V का ग्रे कलर में मैट एडिशन। तो बात करते हैं फ्रेंड्स फ्रंट की इसकी, तो आपको यहाँ पे एलईडी में DRLs देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट्स कंपनी ऑफर करती है। अब बात करते हैं इसके सामने के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको जो टायर्स है वो आपको काफी अच्छे टायर्स कंपनी इसमें ऑफर करती है। 90x90 का आपको इसमें टायर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। बात करते हैं तो इसमें कंपनी आपको सिंगल चैनल ABS ऑफर करती है। यहाँ पे आपको उसका ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा, सुपर मोटो ABS। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो जैसे कि आप इसका मीटर कंसोल देख सकते हैं, आपको फ्रेंड्स यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग का मीटर कंसोल का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ABS का लाइट आपको दिख रहा होगा, ये इंजन माल फंक्शन लाइट इस बार ऐड किया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फ्यूल रिमाइंडर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको टाइम शो कर देगा, और ये आपका स्पीड इंडिकेटर हो गया। इसमें आपको हाई स्पीड रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस साइड की, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसमें इंजन किल स्विच भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट देखने को मिलता है। और इस साइड में आपको हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे पास लाइट का स्विच मिलता है, और ये आपका इंडिकेटर का स्विच हो गया। यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है, तो आपको मैं एक बार इसका हॉर्न सुना देता हूँ, काफी लाउड आपको इसमें इसका हॉर्न देखने को मिल जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको काफी अच्छा यहाँ पे 3D में लोगो देखने को मिल जाता है TVS का।
तो अब मैं एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देता हूँ, एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट तो सुन लीजिए। काफी आपको इसमें रिफाइंड एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बात करते हैं इसकी यहाँ पे टैंक की, तो आप टैंक के डिजाइन को जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको काफी अच्छा फ्रेंड्स इसमें आपको यहाँ पे हीरो का बैजिंग देखने को मिल जाता है एक्सट्रीम का, और यहाँ पे आपको हीरो का बैजिंग मिलता है। और जैसे कि ये डेमो मॉडल है तो आपको यहाँ पे डेमो का भी बैजिंग मिल रहा होगा। और बात करते हैं इस सेट की, तो यहाँ पे आपको किक भी देखने को मिल जाता है, जो कि 166 सेगमेंट में अगर देखा जाए तो अभी सारी कंपनीज रिमूव कर रही है, बट हीरो ने इसे ऐड किया है, जो कि काफी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपकी बाइक की बैटरी कभी डेड हो जाती है तो आप इजीली अपनी बाइक को किक के थ्रू स्टार्ट कर सकेंगे। और यहाँ पर आप इंजन देख सकते हैं, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है। और इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लार्ज साइज का कैटलेटिक कन्वर्टर दिखता होगा, और यहाँ पे आपको रियर ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो आप देख सकते हैं काफी इसमें आपको स्पोर्टी एग्जॉस्ट कंपनी ऑफर करती है। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके रियर के टायर की, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें रियर में जो आपको टायर्स है MRF के, आपको इसमें रेडियल टायर कंपनी ऑफर करती है, जो कि आपको 130 सेक्शन का देखने को मिल जाता है। 130 70 का आपको R17 टायर देखने को मिलता है, जो कि रेडियल है। बात करते हैं रेडियल टायर से, तो जो स्किड करने के चांसेस होते हैं वो। अब बात करते हैं इसके इस साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। पहले आपको इसमें किक देखने को मिलता था BS4 मॉडल में, बट इस बार कंपनी ने इसका जो किक है उसे रिमूव कर दिया, और यहाँ पे आपको TVS रेसिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें फ्रेंड्स आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 15.53 PS का, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.9 Nm का। बात करते हैं इसके डिस्क ब्रेक की, तो फ्रंट में इसमें आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, और रियर में फ्रंट जिसमें आपको ये डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है, अगर आप इसके ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट के लिए जाएंगे तो आपको उसमें 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके रेयर के सेक्शन की, तो आप रेयर में इसका जो टेल सेक्शन है आप उसे देख सकते हैं, आपको काफी अच्छा फ्रेंड्स इसमें रेयर का आपको लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि LED में और स्मोक फिनिश के साथ आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की, तो आपको जिसमें इंडिकेटर्स है वो आपको LED इंडिकेटर्स कंपनी इसमें आपको ऑफर करती है, जो कि काफी अच्छा लुक देता है इस बाइक को। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि ये भी आपको BS6 में सारी बाइक्स में देखने को मिल रहा होगा। और बात करते हैं इस साइड की, तो आपको पैसेंजर का फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन का आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाता है, और इसमें कंपनी आपको सिंगल हॉर्न ऑफर करती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब इसके सीट के बारे में, तो आपको इसमें सिंगल सीट कंपनी ऑफर करती है, जो कि काफी आपको कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करेगी, काफी अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करेगी। और इसका जो रेयर का ग्रैब रेल्स है वो आपको यहाँ पे अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपको देखा जाए तो एडिक्वेट आपको रूम प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इसके रेयर की लुक की, तो रेयर में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे LED में फ्रेंड्स लाइट्स देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स आपको बल्ब में ही देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके रेयर के सस्पेंशन के बारे में, तो रेयर में आपको इसमें यहाँ पे MIG के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं इसके रेयर की टायर्स की, तो आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स कंपनी ऑफर करती है, जो कि आपको 100/80 का 17 इंच का टायर देखने को मिलता है, जो कि आपको TVS कंपनी का ही ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं इसके चेन की, तो इसमें आपको ओपन चेन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसका कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको इसमें साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, और इस साइड में आपको यहाँ पे अपाची का लोगो देखने को मिलता है, और यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिशिंग का यूज किया गया है, तो ये लुक काफी अच्छा आपको दे रहा है साइड से। और यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके नीचे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसमें 5-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा आपको एक गियर सेटअप बॉक्स आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, और काफी स्मूथ गियरिंग है इसका। तो ये रहा फ्रेंड्स दोनों बाइक के बीच में डिटेल में कंपैरिजन। अब बात करना चाहेंगे कौन सी बाइक किसके लिए अच्छी रहेगी और कौन सी पर्पस के लिए अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक्सट्रीम के बारे में, तो एक्सट्रीम में फ्रेंड्स कंपनी आपको किक ऑफर करती है, जो कि आपको अपाची में देखने को नहीं मिलता। और एक्सट्रीम में फ्रेंड्स कंपनी आपको जो है वो फुल्ली LED लाइट्स ऑफर करती है, और LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं तो उसमें फ्रेंड्स आपको जो रियर के टायर्स है वो रेडियल देखने को मिल जाते हैं। 130/70 का आपको टायर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी वाइड है अगर आप उसे अपाची से कंपेयर करते हैं। तो अपाची में आपको 100/80 का टायर देखने को मिलता है रियर में। तो ये सब फीचर्स फ्रेंड्स आपको एक्सट्रीम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और बात करते हैं अपाची में, तो अपाची में फ्रेंड्स आपको जो सबसे अच्छा फीचर देखने को मिलता है वो आपको GTT देखने को मिलता है। तो मैंने GTT के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं।
तो उसमें आपको GTT देखने को मिलता है जो कि आपको ट्रैफिक्स में काफी हेल्प करेगा। और बात करते हैं फ्रेंड्स तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम से। तो अपाची में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180mm का देखने को मिलता है। अगर आप उसे एक्सट्रीम से कंपेयर करते हैं तो एक्सट्रीम में आपको 167mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो इंडियन रोड्स के हिसाब से फ्रेंड्स आप अपाची के लिए जा सकते हैं क्योंकि उसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो पॉटहोल्स वगैरह जो है वो आपको उसमें फील नहीं होंगे जो कि काफी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लुक्स का। तो लुक्स अपना पर्सनल मैटर होता है, आप देख लें लुक्स के हिसाब से आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है। तो बात करते हैं अगर मॉडर्न फीचर्स और LED लाइट्स के हिसाब से तो आप एक्सट्रीम के लिए जा सकते हैं क्योंकि उसमें जो फीचर्स वगैरह है वो आपको ज्यादा अच्छा कंपनी ने यूज किया है और मॉडर्न फीचर्स वगैरह यूज किए गए उस बाइक में और टायर्स वगैरह भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं अपाची की तो अपाची भी फ्रेंड्स आपको काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह उसमें अच्छा मिल जाता है, उसमें आपको GTT देखने को मिल जाता है। तो आप अपने यूजेस के हिसाब से देख ले कि आपके यूज के हिसाब से कौन सी बाइक सेट बैठ रही है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना बाइक से रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।